हेलो गाइस, वेलकम बैक। नो सिटी में आ चुका हूँ, तो अभी भी मैं बलजानो सिटी में हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, उन्होंने मेरा पिछला व्लॉग देखा है, मैं ऑस्ट्रिया से इटली यानी के बलजानो सिटी में आ चुका हूँ। तो अभी भी मैं बलजानो सिटी में हूँ। आज मेरा यहाँ पे दूसरा दिन है और मेरा प्लान है एक जगह पे जाने के लिए। जगह का नाम है वेनिस। सो इसके पीछे एक स्टोरी है। जब मैं ऑलमोस्ट मैट्रिक में था यानी कि अपने 10th क्लास में था, तो तब मैंने एक वीडियो देखी कि एक सिटी है और वो सिटी सारा का सारा पानी के अंदर है। तो मैं ये सोचता था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है कि वो कोई सिटी हो और वो सारे का सारा पानी में हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो आज ऑलमोस्ट उसके 10 साल बाद मुझे आज मौका मिल रहा है ऐसी जगह पे जाने का जो कि मेरी ड्रीम जगह थी वेनिस में। मैं ऑलमोस्ट रेडी होके ये निकल चुका हूँ, ऑलमोस्ट रोड के ऊपर ही खड़ा हूँ। भी यहाँ से ऑलमोस्ट 2 hours का डिस्टेंस है वेनिस का। वो चले चलते हैं और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 10 years पहले जो मैंने चीज़ देखी थी आज वो पूरी होने जा रही है। तो चले गाइस चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। सो गाइज, इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं वेरोना सिटी में और यहां पे एक बहुत ही फेमस लव स्टोरी आपने सुनी होगी, रोमियो और जूलियट की। वो रोमियो और जूलियट की जो स्टोरी है वो यहां पे हुई थी। तो यहां से अभी भी 1 hour दूर है जहां पे मैंने जाना है। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं और अब गाड़ी जो है पार्किंग पे लगानी है और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो अब देखते हैं बारिश में क्या होता है। मैं इस वक्त आ चुका हूं वेनिस और बारिश लगी हुई है और जैसा कि आप देख रहे हैं अम्ब्रेला है मेरे पास, और लेकिन जो मैं देख रहा हूं ना, ओ माय गॉड, ये बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है जैसा कि आप देख सकते हैं। चले चलते हैं, बोट वगैरह पे बैठते हैं और कुछ खाते पीते हैं। वेनिस का ये है कि यहाँ पे सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है और बार बार सीढ़ी चढ़नी पड़ती हैं, उतरनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं भी यही कर रहा हूँ। बारिश थोड़ी थोड़ी लगी हुई है और अम्ब्रेला मैंने छोड़ दी है क्योंकि मुझे मज़ा नहीं था आ रहा अम्ब्रेला के साथ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था और वीडियो बन नहीं थी। अभी मैं सबसे पहले करूँगा वेनिस की स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर और उसके बाद बोटिंग वगैरह पे के लिए जाएंगे। तो अभी फिलहाल मैं स्ट्रीट्स में हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। चले चलते हैं। सो गाइज, इस वक्त हूँ मैं वेनिस की मार्केट में और यहाँ पे जो सबसे चीज़ देखने को मिली है वो है ये सामने लगे हुए मास्क। मास्क के लगने की वजह ये है कि यहाँ पे कार्निवल होता है, उसकी वजह से ये मास्क वगैरह यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहने जाते हैं, तो ये रीज़न थी मास्क वगैरह की। गाइज मैंने ये टिकट ले लिया और अभी जाऊंगा मैं यहाँ पे बोर्ड पे, यहाँ पे टैप किया और अब देखते हैं क्या होता है, बोर्ड कौन सी है, किधर है। सो गाइज मैं बोर्ड पे बैठ चुका हूँ और ये ऑलमोस्ट पूरे सिटी का राउंड लगाएगी और इसकी जो टिकट है ऑलमोस्ट 20 pounds पर पर्सन है और हम 4 persons थे तो ऑलमोस्ट 80 pounds जो के लगे हैं। हाफ आवर हो चुके हैं और अभी तक स्टिल हम बोर्ड पे हैं और हाफ आवर अब ये घूम के वापस जा रही है, हाफ आवर ऑलमोस्ट और लगेगा। तो 20 pounds और ऑलमोस्ट 1 hour, आई थिंक सो मैटर करता है, ज़्यादा नहीं है।
सो गाइज मैंने ऐसा टाइम चूज किया है कि पहले मैंने दिन का व्यू कवर किया है और अब मैं रात का व्यू जो है वो कवर कर रहा हूँ। तो आपने कभी यहाँ पे आए हैं तो आप हमेशा जो भी टिकट लें आप वन साइडेड लें, क्योंकि आप वन साइडेड टिकट पे दोनों साइड जो जा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप रात का भी व्यू लें और दिन का व्यू लें, दोनों का दोनों व्यू ही बहुत कमाल के हैं। तो बोटिंग भी हो गई है और ऑलमोस्ट सारा घूम भी लिया है, रात का टाइम हो गया यहाँ पे। और बैड न्यूज़ ये है कि मैं सारा का सारा भीगा हुआ हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने के लिए भी मैं कुछ ऐसे एरिया में खड़ा था, वहाँ पे भी बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही थी। लेकिन जब मैं घूम रहा था, ये सारे के सारे जो मेरे साथ वाले हैं इनके पास अम्ब्रेला है, लेकिन अगर मैं अम्ब्रेला लेता तो मैं वीडियो ना बना पाता। सारा घूम लिया यहाँ पे और ये है कि अब एक चीज़ रह गई है, वो है खाना। तो यहाँ पे अब क्या मिलता है, कैसा मिलता है, कोई आइडिया नहीं है। तो चले चलते हैं, देखते हैं, कुछ खाते पीते हैं। एकदम फुल बारिश लगी हुई थी और खाने की कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली। तो प्लान अभी ऐसा है कि यहाँ से वेनिस से निकल के हम जाएंगे वेरोना, जिसके बारे में मैं बताया था कि रोमियो और जूलियट का वहाँ पे जो भी सीन हुआ था वहाँ पे हुआ था। और वहाँ पे कुछ लाइक एशियन रेस्टोरेंट है और वहाँ पे जाके खाना खाएंगे। चले चलते हैं। इस खाना वगैरह खा लिया है और अभी मैं आया हूँ बॉलिंग करने के लिए। और चलें देखते हैं, बॉलिंग में मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ और आज आपको मैं दिखाऊंगा अपनी एक्सपर्टी। और ये लोगों को आज मैं सिखाने के लिए लेके आया हूँ कि बॉलिंग करते कैसे हैं। चलें मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज यहाँ पे मैं व्लॉग एंड करता हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल की बैटरी ख़त्म होने वाली है और बहुत जल्द मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। और अभी भी मेरे दिन कुछ यहाँ पे हैं और मेरा आगे और भी प्लान है और भी आपको दिखाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।